भूटान का जो बॉर्डर है ना यहाँ से बहुत पास में है, एंड आई थिंक आई एम गोना विजिट इट। डिजास्टर स्ट्रक गाइस, हैज कम टू एन एंड ऑफिशियली। Kaziranga se Guwahati is around 220 kilometers and takes about 4 to 5 hours of consistent riding. Shaam tak Guwahati pahunchkar maine decide kar liya main yahan par 2 aur din ke liye ruk jaunga. That's when I decided ki instead of taking a detour for home from Bhubaneswar, I'll ride further south towards Andhra Pradesh before heading home. And I am all set to leave Guwahati now officially, guys, officially. I am on my way back to Bombay. I stayed in Guwahati for 2 days. The funny part is about ये ride में जो है हर जो मेरा pit stop होने वाला है around 12 से 15 घंटे का journey होने वाला था। यहाँ से Siliguri around 13 hours है, Siliguri से कोलकाता around 13-14 hours है, कोलकाता से पूरी around 10 घंटा है, पूरी से विशाखापट्टनम around 8-9 घंटा है, विशाखापट्टनम से हैदराबाद कुछ 12 घंटा है और हैदराबाद से मुंबई इज अराउंड 14 hours. So long way to go, guys. Long way to go. Keep watching, guys. Keep watching till the end. And thank you so much for watching the video. Share it with your friends. Inspire them to travel the world, meet new people, experience new cultures, try new food, and live a good, positive life. See you on the road. This is beautiful, beautiful place called Dhubri Tea Lounge, जहाँ पर मैं रुका हूँ अभी. And last time भी रुका था actually, I had shot in this place if you remember. Guys, Bhutan का जो border है ना यहाँ से बहुत पास में है, and I think I'm gonna visit it. मैं देखने तो वाला हूँ Bhutan for sure. रहना है नहीं रहना है वो बाद में देख लेंगे, but I'm gonna see the place. And what better way to complete 50,000 kilometers on my bike in Bhutan? NH317 पे हासीमारा से डिटोर लेने पर कुछ 20-30 मिनट की दूरी पे आता है जयगांव, विच इज अ बॉर्डर टाउन बिटवीन इंडिया एंड भूटान. एंड वंस यू क्रॉस ओवर टू द अदर साइड, फुनशुलिंग नाम का एक छोटा सा नाटा सा टाउन है वेर यू डोंट नीड अ परमिट टू एंटर. एंड एनी प्लेस दैट डज नॉट नीड अ परमिट टू एंटर, आई एम गोइंग टू एंटर. यहाँ पूछने पर पता चला कि ऑल आई नीडेड टू एंटर फुनशुलिंग वॉज टू शो माई आधार कार्ड. Well, not really. As soon as I crossed the Bhutan checkpoint, I was stopped, and you won't believe why. Hello, sir. Hello, sir. Ji, kaise ho? Acha yaar. Ye Punchaling round mar ke jana hai wapas. Kab tak liye to? Oh, paas. Wahan bhi isse bola aise ja sakta. Haan, kya chahiye? All I needed was a bloody hard copy of the Aadhaar card. और वो मेरे पास नहीं था, वो लिटरली जस्ट देख के भेज रहा था लोगों को, एंड ही डिडंट लेट मी इन बिकॉज ऑफ दैट. भूटान पुलिस मैन गेट अस गाइस, आर टू मीन यार, टू मीन, वे टू मीन. आई मीन आई डिड सी भूटान टेक्निकली, बट नॉट लाइक नॉट द वे आई वांट टू सी इट, बट एनीवे नेक्स्ट टाइम आई विल सी भूटान. एंजॉय द सनसेट फॉर नाउ. सुपर क्विक स्टॉप ओवर एट Siliguri. Siliguri के आगे थोड़ा एक जगह है मीरामार रिजॉर्ट करके, यहाँ पर रुका हूँ मैं. एंड इट्स क्वाइट डीसेंट, इट्स नॉट बैड, इट्स मतलब ठीक जगह है. आई पेड सम 1500 बक्स समथिंग, इट इज नॉट बैड एट ऑल. द प्रॉब्लम विद दिस बेल्ट इज गाइस कि ये जो बेल्ट है ना, यहाँ पर तो होस्टल्स नाम का कोई चीज़ नहीं है. Siliguri में तो है ही नहीं, एक या दो होगा बट वो भी देयर वेरी बैड. कोलकाता में देर आर, बट हाइजीन का इशू है. आई हर्ड होस्टल्स इन कोलकाता आर रियली बैड, सो वहाँ पर मैं हॉस्टल में नहीं रहने वाला. आई एम गोइंग टू स्टे इन अ होटल. एंड यू नो, जितना भी बजट हो सकता है मैं बजट करता हूँ, बट सम प्लेसेज वेर इट्स नॉट पॉसिबल इट्स फाइन. मैं हाइजीन के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा. आई नेवर स्टे इन अ बैड प्लेस जस्ट टू सेव मनी, दैट इज़ नॉट माई क्राइटेरिया. द होल पॉइंट इज़ टू ट्रैवल स्मार्ट. हॉस्टल्स और होस्टल्स जो होते हैं बहुत अच्छे वाले होते हैं, एंड इट्स सो वर्थ द मनी. आई थिंक 500 बक्स फॉर अ नाइट, द वाइब इज़ अमेजिंग, यू मीट अमेजिंग पीपल, इज़ द बेस्ट. यू डू व्हाटएवर यू वांट, कॉमन एरिया होता है, व्हाटएवर यू डू व्हाटएवर यू वांट, एंड इट्स द मोस्ट पैसा वसूल थिंग आई एवर डिस्कवर्ड आई थिंक इन टर्म्स ऑफ ट्रैवलिंग, एंड आई लव इट इफ यू आर स्पेशली फॉर सिंगल. मैंने तो काफ़ी सारे कपल्स को भी देखे हैं आके, यू नो, जो रहते हैं ऐसे जगहों में. सो
yeah, kids are not allowed, which is awesome. Nothing against kids, but I love kids. But yeah, in these places, not so much fun. But I mean, here I'm going to Kolkata. It's around 11 to 12 hours from here. 600 kilometers from here. And it's almost 5:30. 5 o'clock, 5:30 now. Almost forgot my power bank. Gotta get on the road, and I am going to see you in the hotel room of Kolkata. Disaster struck, guys. अभी एक गंदा सा पॉटहोल को हिट किया मैंने. आई थिंक आई हिट द सम नीचे. The oil is leaking completely. पूरा निकल गया ऑयल एक्चुअली. आर टू आर ए सी द बाइक नाउ. माय ट्रिप हैज कम टू एन एंड ऑफिशियली. दिस इज सो मेस्ड अप. दिस इज सो 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 मेस्ड अप. पूरा निकल गया पूरा कंप्लीटली आउट. द बाइक स्किड सो बैड. बाइक ऐसा फिशटेल होने लग गया. मुझे लगा कि आई गॉट अ फ्लैट टायर, बट देन आई रियलाइज द सम्प इज लीकिंग एंड इट्स गोइंग ऑन द टायर. अब पूरा टायर पे ऑयल जा रहा था. इट वाज डैम क्रेजी. वेरी डेंजरस. अभी तक गिरा नहीं. आई विल हैव टू कॉल आरएसए फ्रॉम हियर. आई कांट मूव द बाइक. चला तो सकता नहीं यहाँ से मैं. इट्स वेरी डेंजरस. आई विल हैव टू कॉल फॉर अ टोइंग. इट्स क्रेजी अनबिलीवेबल. So I've called this guy called Sameer. Hamara basically RSA ka manage karta hai apne group mein. And it's so funny. Kal hi Sameer ka baat ho raha tha group mein. It's last night ki baat hai ye. And I remembered him and I just called him right now. Abhi wo Siliguri mein sabse nearest ya jo bhi hai towing service mere liye dekh rahe hain. And I will have to tow it to Kolkata because that's the nearest center. Let's see what happens. I'm waiting for his call. Sameer abhi phone karega, batayega kya cost hai, kitna time lagne wala. Siliguri se zyada dur nahi hu main. So probably like a half an hour away. The funny thing is, it's like morning. I'm fresh. Pura sab set hai and ye stupid thing ho gaya. And it's like really, really bumming me out right now. I'm just hoping ki Kolkata showroom, unka jo manager hai, wahan par main unse phone karunga. Kal maine baat kiya tha unse. I'll talk to him. I'll ask him if they have a sump available. I mean, at least I can get it replaced and continue my journey. Agar nahi hua to mujhe bike chhod ke jana padega. And I don't want to do that. I want to finish this and I want to head back home. So super, super bummed out, man. Like this is just like, look at this. This is so, so, so frustrating and not funny. Just covering up the oil because it's very dangerous. If the biker biker comes from here, then it will get panga. So need to cover this shit up. Jitna ho sake, maine kar diya hai. And guys, finally towing ka sort ho chuka hai. I made some calls to my Harley friends, to an RSA guy back in Bombay. Sab arrange karke, sab baat karke. I figured out that the best price I'm getting for towing from Siliguri to Kolkata is 30,000 bucks. 30,000 rupees. I'm going to spend it for towing. I'm sure you're wondering why I'm paying this insane amount for towing. Well, जिस तरह हमारी सरकार इलेक्शन के बाद अपने वादे भूल जाती है, उसी तरह मैंने इस ट्रिप के शुरू होने से पहले मेरा RSA membership renew करना भूल गया. अब भुगत रहा हूँ. It's a beautiful, beautiful road, guys. एक random pothole जो मुझे मिल गया, it just screwed this thing up. Like it is just, it was not even a pothole. I think it was that जहाँ से tar road खत्म होता है और concrete start होता है, वहाँ वो वाला situation था. And that's what happened. And उसपे लग के हुआ है basically. सबसे पहले मैं जो करने वाला हूँ is basically get a oil sump guard. एक guard डालने वाला हूँ मैं for sure. बट अभी के लिए मैं आई एम वेटिंग फॉर द टोइंग गाय. गाड़ी को डलवा दूंगा फ्लैट बेड में एंड आई एम गोइंग टू कैच अ फ्लाइट टू कोलकाता बिकॉज मेरा बाइक को कोलकाता पहुंचने के लिए आई थिंक 15 घंटा लग जाएगा. सो लकीली इट्स लाइक अर्ली इन द मॉर्निंग. द डे इज जस्ट स्टार्टिंग. सो वो आके फटाफट लेके जाएंगे एंड देन आई शुड बी देयर बाय आई विल बी इन कोलकाता बाय आफ्टरनून और समथिंग. मैं दोपहर को पहुँच जाऊँगा. आई स्टे देयर टुडे एंड देन कल मैं बेसिकली हाली के शोरूम में मेरा ब्रेक पैड्स और ये सब करा लूँगा मैं. सो दैट्स द प्लान गाइस. It was still around 7 AM, which meant that मेरा मीरामार होटल का रूम अभी भी कुछ घंटों के लिए अवेलेबल था. So I thought I'd go back and plan my way ahead instead of waiting here on the road. How is your Saturday going? देख वो साला खड्डे पे सब स्लो डाउन कर रहे पॉटल पे. दूर से इट लुक लाइक वन रोड ओनली. पास में है तो सडनली वन पड़ा. डिसाइडेड कि मैं थोड़ा सा बाइक को स्टार्ट वार्ट करके आगे लेके जाऊंगा. वही मैं कर रहा हूँ. स्टार्ट कर रहा हूँ आगे लेके जा रहा हूँ. एंड मेरा रिजॉर्ट ऑलमोस्ट पहुँच गया है. इट्स लाइक 10 seconds अवे फ्रॉम यहाँ. इट्स नॉट गुड टू राइड इट थ्रू आउट. थोड़ा बहुत चल जाता है. देयर इज सम ऑयल इन द मशीन. सो
should be fine. Let's see. कैसे भी करके पहुंच गया हूं भाई मीरामार रिजॉर्ट. डैम दैट वाज सो क्रेजी मैन. व्हाट अ ट्विस्ट. बट यू नो लुकिंग एट द ब्राइट साइड गाइस, दिस शुड हैव हैपेंड इन द बिगनिंग ऑफ द ट्रिप एंड रियली स्क्रूड माय ट्रिप अप आल्सो. ये रिटर्न जर्नी में हुआ है सो इट्स ओके. आई कैन डील विद इट. इट्स ओके, चलेगा. अभी थोड़ा आराम करूंगा, वेटिंग फॉर द टो ट्रक टू कम एंड लेट्स सी हाउ इट गोस. आ गए हमारा. आप कौन? आपका नाम क्या जी? मेरा नाम अरविंद है. आपने बात किया था जी? नहीं. नमस्ते. तो अरविंद भाई आ गए मेरा बाइक लेने के लिए. देखो पूरा ऑयल निकल गया नीचे से. तो आ जाएगा ना इसमें आराम से, कोई टेंशन नहीं है. और कभी तक पहुँचेगा भैया? रात तक पहुँच जाएगा, कोई टेंशन नहीं ना, आराम से पहुँच जाएगा ना. तो देखते हैं अभी डलवा देंगे बाइक. बट आ गए आप, जल्दी आ गए, बहुत जल्दी आ गए भाई. मतलब नसीब का बात है. कभी कभी बहुत 4-5, 6-7-8 घंटा लग जाता है. मैं नसीब से बाजू में ही था, मैं तो काम हो गया. अभी बिठा देंगे इसको फटाफट. अभी ये क्या कर रहे हो? ग्रीस सर, इसमें ग्रीस लगा. अच्छा ग्रीस लगा रहे, ठीक. सोच रहे थे आप सब ग्रुप. नहीं अकेला हूँ, अकेला पूरा घूम रहा हूँ मैं. खेलना पड़ेगा. हाँ खेलना पड़ेगा. जोर से और सो डाउन होगा उसका. बस अब आ जाएगा. धक्का मार देंगे सर. थोड़ा थोड़ा पीछे कीजिए जोर से. बैठ तो गया वैसे. अरविंद और कुलदीप मेरे दो गार्डियंस हैं जो मेरे बाइक को संभालने वाले. पहली बार टो हो रहा है मेरा बाइक तो मुझे बहुत, वो भी सिलगुड़ी में. सोचा नहीं था सिलगुड़ी में टो होगा बट हो जाता है भाई. तो थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का. संभाल के जाना आराम से, कोई जल्दी नहीं, आराम से जाना. और आपको मिलता हूँ कोलकाता में. फ्लाइट का टिकट बुक कर दिया है. बागडोगरा एयरपोर्ट इज़ लाइक सम 30 मिनट्स फ्रॉम योर. कैब आने वाला है अभी. आई हैव माई बैग विथ मी, सब है मेरे पास. और हम जाने वाले हैं एयरपोर्ट में. गोना बुक अभी कुछ 11 बज रहे हैं और मैंने 2:30 का फ्लाइट बुक किया हुआ. तो फटाफट पहुँच के चेक इन करके आई विल रीच कोलकाता. एंड वहाँ पर पहुँच के इट्स वेरी सैड यार, ये बात करते हुए मुझे इतना इरीटेट हो रहा है ना. बिकॉज आई प्लान टू राइड टू कोलकाता एंड आई एम नॉट एबल टू राइड एंड इट जस्ट सक्स. Oh, it just sucks. It's just like really, really bothering me right now. Anyway, so that's the plan. अभी मैं जा रहा हूँ एंड मैंने ऑनली हार्ली के शोरूम से बात कर लिया. I'm gonna figure it out and I'm gonna see how you can solve the issue. Sump जो है नीचे ऑयल का जो है वो क्रैक हुआ है क्या पता, समझ में नहीं आ रहा. मैं आई कुडंट सी द क्रैक सो आई डोंट नो what's happened. वहाँ चेक करके पता चलेगा क्या हुआ है. आफ्टर दैट विल टेक अ कॉल. सो आज रात को पहुँचेगा एंड कल सुबह चेक होगा. सो let's see it all works out. I'm gonna get back on the road and start riding. So pura trip ulta ho gaya hamara basically. Abhi flight is ahead. Bhaiya idhar se kanchan jagah dikh jata hai na yahan se. Ha wo dikhai ja raha hai. Ha wahi samne. So I woke up in the morning and I saw it, very beautiful man. Main Nepal se dekha maine and yahi se bhi dikh jata hai. For 2 seconds I felt so nice. So,
इन द लास्ट 3 इयर्स जब से मैंने नया बाइक लिया है एंड फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 2-3 इयर्स मैं फ्लाइट से जा रहा हूँ, वो भी सिलगुड़ी से कोलकाता। अनबिलीवेबल। इसको सील करके अभी हम डाल देंगे। एंड इट्स सील्ड फाइनली। थैंक यू सो मच, बहुत हेल्प किया आपने यार। थैंक यू सो मच। कोलकाता में लैंड करके आई मस्ट हैव इजीली स्पेंड एटलीस्ट 2 आवर्स ट्राइंग टू फिगर आउट अ प्लेस टू स्टे। हॉस्टल ऑप्शंस वर बैड एंड होटल्स अनरीजनेबली एक्सपेंसिव, एस्पेशली व्हेन आई डिडंट नो हाउ लॉन्ग आई वाज गोना बी हियर। फाइनली आई पिक दिस लिटिल हॉस्टल इन सॉल्ट लेक एंड बुक द कैब, जिसके कैब ड्राइवर को मैंने 5 मिनट में मेरी पूरी लाइफ स्टोरी बता दी। और सिलगुड़ी में मेरा बाइक खराब हो गया, तो आज सुबह वहाँ से बाइक को कोलकाता भेज के अभी आता ही होगा, मतलब रात को पहुँचेगा और मैं फ्लाइट से आ गया। ये हमारा कहानी है शॉर्ट में। वैसे तो बाइक आपको मतलब उधर से वो अलग से आए, टोइंग करके भेजा हुआ है और फ्लाइट लेके आ गया। मैं फ्लाइट लेके आ गया, वो 15 घंटा कैसे बैठूंगा, 12 घंटा ट्रक में बैठकर हालत खराब हो गई है। मिल गया, पूरा सोल्ड आउट था, मतलब 1-2 फ्लाइट बाकी था, मुश्किल से मिल गया मुझे। किसने लास्ट मिनट में किसने बैकआउट किया रहेगा, मिल गया मुझे भाई। खाने के लिए कोई, मैं बहुत सुना है यहाँ रोड कौन सा है, कोई तो एक रोड है, पार्क स्ट्रीट बोलते हैं उसे। पार्क स्ट्रीट भी है आपका, सेक्टर 5 में है, न्यू टाउन में। हाँ, करेक्ट। तो न्यू टाउन में ऐसा मतलब खाओ गली टाइप है क्या, ऐसा लाइन से बहुत जगह है, मतलब यहाँ पे तो फूड कोर्ट भरा पड़ा हुआ है। वकील साहब एक है मेरा, एक दोस्त बंगाली हो, तो उसने मुझे बोला था लाइन से कहाँ कहाँ जाना, उसने तो इतना बोला, मुझे कुछ याद ही नहीं है क्या क्या बोला। खाने के लिए तो नंबर 1 जानते ही है लोग, बहुत फेमस है यहाँ पे, आपको हर जगह पे अच्छा अच्छा खाने का जगह मिल जाएगा। ये नदीम भाई खाने का इतना बात कर रहे हैं, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं जब से बाइक के साथ इशू हो गया है, और मैं जितना बात कर रहे हैं उतना मेरा हालत ख़राब हो रहा है और खाने का मन कर रहा है। तो जैसे मुझे ड्रॉप करेंगे आई विल गो एंड फिगर समथिंग आउट। एंड नदीम एक छोटा सा एक आपके मन में एक प्रेयर बोलना मेरे बाइक के लिए। जी मैं प्रे करूंगा अपने मन से कि आपका बाइक आपको जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। आई नीड ऑल द विशेस राइट नाउ। आज रात को बाइक पहुंचेगी, कल शोरूम में जाके चेक करना पड़ेगा क्या हुआ है। एंड लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस मैन, फिंगर्स क्रॉस। And I've checked into this very cute little hostel in Kolkata. मुझे थोड़ा good news मिला है and I'm very happy about it, guys. I spoke to my service advisor back in Bombay, जो नीलेश और हेमंत करके जो दो बंदे हैं, fantastic guys. क्या मैंने फोटो शेयर किया वो बंदे ने हेमंत, और इसने मुझे बताया कि it is a crack. वो फोटो में जो crack है मैं अपलोड कर दूंगा, आप दिखा दूंगा आपको मैं। एंड वो क्रैक बेसिकली इज वो होता ही है, इट्स अ नॉर्मल थिंग, वेरी नॉर्मल थिंग इन फैट बॉय। एंड वो पार्ट अवेलेबल है 3 जगहों पे, बॉम्बे में नहीं है विच इज़ ओके बिकॉज आई एम एनीवे इन कोलकाता, बट 3 जगहों में है, देहरादून, हैदराबाद एंड दिल्ली। सो वेरी हैप्पी, आई हैव 3 ऑप्शन वहाँ से अगर मंगवाना है तो। वो पार्ट नंबर मुझे भेज रहे हैं एंड आई विल बी ऑर्डरिंग फ्रॉम वन ऑफ दिस प्लेसेस। आई एम होपिंग द प्रॉब्लम शुड बी सॉर्टेड, फीलिंग अ लिटिल बेटर अबाउट दिस एक्सपीरियंस, वॉज एब्सोल्युटली मेंटल। आई मीन टोइंग का खर्चा मैंने 30,000 दिया है मेरे लाइफ में, मतलब मैं एटलीस्ट 3.5 बार मैं यू नो सिलगुड़ी से कोलकाता फ्लाई कर सकता था। इट्स सो पेनफुल, लाइक आई एम ट्राइंग टू लाइक शो यू हाउ इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डू लाइक अ नाइस लॉन्ग टूर एंड नॉट स्पेंड टू मच, एंड उसके बीच में ये हो गया। बट आई एम राइडिंग एन एक्सपेंसिव बाइक, आई बॉट एन एक्सपेंसिव बाइक, सो आई कॉन्ट बी कंप्लेनिंग अबाउट इट, सो इट्स ओके। एंड ऑल्सो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, 30-35 रुपीज़ पर किलोमीटर लोग चार्ज करते हैं, एंड इट्स ऑलमोस्ट 500-600 किलोमीटर्स फ्रॉम सिलगुड़ी टू कोलकाता, एंड दे ऑल्सो हैव टू कम बैक। सो दे एक्चुअली गिवन मी अ डिसेंट रेट, 35-36,000 में कुछ था, बट 30,000 में उन्होंने मुझे करके दे दिया। एंड मीन वाइल आई विल ट्राई टू अरेंज द सम हियर एज सून एज पॉसिबल, और उसके पहले वो एक बार चेक भी करना पड़ेगा कि एक्चुअली में वो हुआ है कि नहीं हुआ है, अज्यूमिंग ये हुआ है फोटो देख के, बट हमको चेक करना पड़ेगा देखिए आस पास में। मेन थिंग इज बाइक हैज टू रीच हर इन 1 पीस, दैट इज माय बिगेस्ट थिंग। अभी फिलहाल 5 बजे कोलकाता में, आई विल गो टू द शोरूम एट 12 o'clock को बड़ा, बट जस्ट टू चेक कि वो बाइक बराबर है, कोई डैमेज नहीं हुआ है, एक्स्ट्रा वो कुछ हुआ नहीं है, सो आई विल बी डूइंग दैट। सो लेट्स सी। सुबह के 6:06 बज गए हैं, न्यूज़ आया है कि मेरा बाइक पहुंचने वाला है शोरूम इन द नेक्स्ट 2 मिनट्स।